तहसील क्षेत्र सैदपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब मोहम्मद शकील अहमद ने घरों में बकरीद की नमाज पढ़ने की लोगों से की अपील। एक और वैश्विक महामारी कोरोना अपने चरम पर है, वहीं सभी धर्मों का त्योहार भी नजदीक आते जा रहे हैं, जिसमें से एक है ईद उल अजहा और बकरीद। इसे लोग कुर्बानी का त्योहार के रूप में मनाते हैं। वहीं कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस और सैदपुर कोतवाली में हुई सभी इमाम व मौलवियों की बैठक के मद्देनजर नगर सैदपुर स्थित जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि बकरीद की नमाज लोग अपने अपने घरों से ही अदा करेंगे। जिन लोगों को बकरा ईद की नमाज घरों से अदा करने में दिक्कत हो, तो लोग ईद उल अजहा की जगह की नमाज चार रकत अदा करेंगे और कुर्बानी अपने घरों के अंदर ही करें, और सरकार द्वारा पाबंदी लगाए गए जानवरों का कुर्बानी न करें और कुर्बानी के बाद मल को मिट्टी के नीचे दफन कर देखने में न छोड़े, और सभी लोगों अपने घरों में ही इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। साथ ही सभी लोगों से अपील भी कि कोरोना महामारी के चलते आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। शासन प्रशासन के बातों को ध्यान में रखते हुए इस महामारी में उनका साथ दे। वहीं नगर के हाजी नन्हे साहब ने जनाब मौलाना शकील अहमद से बात करते हुए ईद पर चर्चा कर रहे थे। वहीं हाजी नन्हे साहब अपने क्षेत्र वासियों से अपील किया, आप लोग शॉपिंग न करें, शॉपिंग का पैसा गरीबों में इमदाद करें, अनावश्यक घर से बाहर न निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कुर्बानी अपने अपने घरों में करें। वहीं बकरीद पर बाजार देखने को फिक्की मिली। ईद उल अजहा और बकरा ईद की नमाज किस तरह होगा, कहाँ होगा और कहाँ पर नमाज अदा करेंगे? इस दौर में बेहतर यह है कि ईद की नमाज यानी ईद उल अजहा की नमाज लोग अपने घरों में अदा करें, या अगर वो मस्जिद में अदा करते हैं तो पांच पांच आदमी से आए नमाज अदा करें और वो अपने घरों में जाएं। रहा सवाल कुर्बानी का, कुर्बानी अपने घरों में जो है आराम से लोग कर सकते हैं, कुर्बानी अपने घरों में लोग आराम से कर सकते हैं। उसकी गंदगी जैसे होता है, चमड़ा है या तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों को लोग दफन कर दें यानी गाड़ दें, और ये जो हालात चल रहे हैं महामारी का, इससे परहेज करें, आपस में ज्यादातर मेल मिलाप न रखें तो ये बेहतर है। कुछ लोगों का कहना है जो बकरा ईद की नमाज घरों में जायज नहीं है, ये खुले में ही होना चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये कहना चाहते हैं हम कि बकरीद की नमाज कुछ लोगों का जब कहना है कि घरों में जायज नहीं है, तो ऐसा कोई जो है मसाइल तो है नहीं, मतलब ये है कि ऐसे हालात में जो है बकरीद की नमाज लोग अपने घरों में जो है चाश्त की अदा करें, बकरीद की जगह पे चाश्त की नमाज वो अपने घरों में अदा करें, या अगर वो अदा नहीं कर पाते हैं तो जिस तरीके से जो है हम लोग गए थे वहां हर बातचीत हुई, तो पांच पांच आदमी से लोग आए मस्जिद में नमाज अदा करके चले जाएं।